हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल परमात्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मनुष्य को अपने पापों की सजा भोगनी ही पड़ती है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल ना करना। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चलें तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ़ कर देते हैं और स्वर्ग में उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है, लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्ते पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वह आपको तेज़ी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेज़ी से उठने का अर्थ यही है कि यह नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वह आपको इस राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुँच पाएंगे। आप बिल्कुल भी यह धारणा ना पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं, तो आपको स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ़ कर दिया अज्ञानता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है, आपको क्षमा करने वाला वह कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप ना कर। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना पसंद ना करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की ज़रूरत महसूस ना हो। हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि आप उनके स्पंद और प्रभाव मंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए सबसे कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सकें तो वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं के निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर ना खींच ले। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।